खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। भारतीय सेना ने लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में LAC पर चीनी साजिश को नाकाम करने के साथ ही काला टॉप पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और 29-30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने ना सिर्फ काला टॉप पोस्ट पर कब्जा जमाया बल्कि चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को भी हटा दिया है। दरअसल चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित ब्लैक टॉप पोस्ट पर कैमरा और सर्विलांस सिस्टम लगाया था और इस पोस्ट पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है और कैमरे और सर्विलांस उपकरण को खाड़ भी फेंका है। सूत्र बता रहे हैं कि पेंगोंग त्योस झील के दक्षिणी किनारे के पास ऊंचाई पर मौजूद ब्लैक टॉप पोस्ट पर चीनी सेना ने कैमरा और सर्विलांस सिस्टम लगाए हुए थे, लेकिन फिर भी भारत के शूरवीर जवानों ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के सैनिकों से पहले इस पोस्ट को अपने अधिकार में कर लिया। सूत्र बता रहे हैं कि चीनी सेना ने ऊंचाई पर भारतीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हाई लेवल टेक्नोलॉजी वाले कैमरे और सर्विलांस सिस्टम तैनात किए, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना वहां काला टॉप पोस्ट और अपने अधिकार में करने में कामयाब हुई है। सूत्रों के मुताबिक LAC पर चीन ने अपने बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाया है और भारतीय सैनिकों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं। यहाँ पर ठाकुंग के पास की ऊंचाई के पास भी चीनी सेना भारतीय सेना की ऊंचाई और उसकी आवाजाही पर कड़ी नज़र रखती है। वहीं ऊंचाई पर कब्जा करने के लिए चीनी इरादों को भांपते हुए पिछले हफ्ते ही भारतीय सेना के एक विशेष ऑपरेशन यूनिट और सिख लाइट इन्फेंट्री के कर्मियों समेत यहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को पहाड़ की ऊंचाई पर तैनात किया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।